ये 2D array है, ओके। इसको हमने पॉइंटर से पॉइंट करवाया है। अब पहले पहले यहाँ पे टॉपिक समझते हैं, डिबगिंग करते हैं, एक काम करते हैं, डिबगिंग करते हैं। डिबगिंग पता क्या होता है? तो डिबग में कहाँ पे आके रुका है अभी प्रोग्राम? फाइल डिबग किया, देखो ये मैंने ब्रेक पॉइंट डाला है, ठीक है। तो यहाँ आके प्रोग्राम रुका, प्रोग्राम यहाँ आके रुक गया। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट लाइन इधर आया, ओके। तो ये नेक्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए? ये पैरेलली आउटपुट भी आना चाहिए। एंड इफ आई जस्ट सी हियर समथिंग, आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना। आउटपुट नहीं आया ना, सी आउट नहीं आया ना। सो आई एम हियर गोइंग टू सी दिस थिंग, और इसको भी अरेंज कर देता हूँ, स्क्रीन को अरेंज करूँ दोनों को, मैं आउटपुट भी देख पाऊँ, ओके। और हम यहाँ पे लाइन का प्रोसेस होते हुए भी देख पाए, ओके। नाउ अभी ए का वॉच भी देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखेंगे, ये है ए, राइट। अब हम इसको कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन। तो देखो पॉइंटर ए इज इक्वल टू 5, पॉइंटर ए 5 है, कैसे? यहाँ पे आया, ठीक है, पॉइंटर ए यहाँ पे आया ना, क्योंकि हमने यहाँ क्या दिया था, राइट, ए इज इक्वल एक्स ऑफ 0 0, यहाँ देख रहे हो पॉइंटर ए दिया है इसने, वैल्यू दे दी, ओके। अब मुझे एक वॉच ऐड करनी है सपोज, ओके। हाँ इसके बाद वही तो बोला हूँ ना, ये यहाँ पे शुरुआत में इधर आया ना, अभी इधर लाइन पे हम यहाँ पे है ना, अभी नेक्स्ट लाइन करूँगा तो अब यहाँ देखो क्या हुआ। नाउ इट इज़ वॉट, इट इज शोज मी समथिंग डिफरेंट आउटपुट। अब इसको हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में इसके फॉन्ट बड़े कर देता हूँ, देखो क्या आया। अब ये 4 पे, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस 4? यहाँ से हम क्या किए, जैसे 4 पे आए, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डबल पॉइंटर दिस, पॉइंटर एक्स प्लस टू एंड पॉइंटर, राइट। नाउ दिस इनर वाला मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ रो के लिए, ठीक है, पॉइंटर एक्स। अभी मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ये चीज़, इस चीज़ को वॉच पे डालूँ, दिस पार्ट कॉपी करता हूँ, एड वॉच, राइट, ये देख रहे हो आप, एवेल्यूएट कर दिया। तो ये यहाँ कहाँ पे है अगर हम देखें तो, एवेल्यूएट करेंगे, इसको वॉच पे डाला मैंने, नहीं ये गलत चला गया, एक काम करते हैं इसको रिमूव कर देते हैं। वॉच पे मुझे यहाँ पे क्लिक करके डालना था, वो टेक स्ट्रिंग में से गया ना, ठीक है, ये एड वॉच। तो एग्जीक्यूट टू इवेल्यूएट, अभी आएगा एग्जीक्यूशन, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इनर एक्स हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, प्लस टू यानी ये रो प्लस करेगा, इनर वाला प्लस रो, तो एक दो, दो रो नीचे आ गए, ठीक है। नाउ अब इसके बाद बाहर वाला कॉलम है, तो ये हुआ, तो ये प्लस वन कर दिया, तो क्या हुआ, मेरे ख्याल से प्लस वन इधर आ गया, ठीक है। नाउ इट मीन्स वॉट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने ऐसा लिखा, सो व्हाट आई एम सेइंग टू इट, कि गो टू दी, ये है एक्स हमारा, राइट, ये हम इसको बोल रहे हैं कि एक्स ऑफ 2,1 पे जाओ, राइट। यहाँ से 2, तो ये 2,1, ये वाला हमारा प्रिंट आया, तो हमने देखा, ठीक है ना, लेकिन पॉइंटिंग यहीं पे है, पॉइंट तो यहीं पे है अभी भी, ओके। इसका मतलब ये हुआ, ओके। अब अगली लाइन में देखते हैं, नेक्स्ट लाइन, विल क्लिक ऑन नेक्स्ट लाइन। जैसे ही नेक्स्ट लाइन में आते हैं, मूव अहेड बाय, चलो रिमूव वॉच, नेक्स्ट लाइन क्यों नहीं हुआ, ब्रेक नहीं करना है भाई, नेक्स्ट लाइन एक काम करते हैं, स्टॉप एग्जीक्यूशन, दोबारा से यहाँ पे डीबग करते हैं, यहाँ पे आकर रुकेगा ना, ठीक है, यहाँ पे आकर रुका, मैं यहाँ से ले जाऊँगा नेक्स्ट लाइन, तो आउट आया। फिर आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 11 नाउ? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, स्टार एक्स प्लस टू, अब पॉइंटर कहाँ पे है हमारा, 0 पे। अब ये यहाँ अंदर का ब्रैकेट हटा दिया ना, ठीक है, अंदर का ब्रैकेट हटा दिया, तो प्लस टू का मतलब 2 आगे बढ़ो। टेक्निकली ये कैसे है, अगर इसको मैं कॉपी करूँ अंदर मेमोरी में, कैसे है ये सीक्वेंस में है ना,
मेमोरी में तो ये ऐसे है ना, है कि नहीं? तो प्लस टू यानी दो कदम आ गया हो, यहाँ पे आया। ओके तो ये क्या चीज़ है राइट? इसका मतलब अगर हमने यहाँ लिखा है स्टार एक्स प्लस टू, प्लस फाइव, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो स्टेप आगे बढ़े, क्योंकि ये देखो अंदर वाला ब्रैकेट हटा दिया है ना, तो इसका मतलब जो पॉइंटर है उसे दो कदम आगे जाओ। ओके अब ये वाला जो पॉइंटर है या यहाँ देखेंगे ना, तो ये ब्रैकेट के बाहर है, प्लस अंदर है और ये बाहर है, तो यहाँ पे है, तो इसमें प्लस फाइव किया इधर, इसका मतलब क्या हुआ एक्स ऑफ राइट, राइट नाउ हम जीरो पे ही हैं राइट, लेकिन उसे दो कदम आगे बढ़े टू प्लस फाइव हुआ, इसका मतलब प्लस फाइव, उसमें जो वैल्यू है उसमें प्लस फाइव करो, इसका मतलब ये हुआ एक्स ऑफ जीरो टू, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट अगर लगा दिया, यहाँ अगर ब्रैकेट लगा दिया इधर, तो ये क्या हो जाएगा दो रो नीचे चले जाओ राइट, दो रो नीचे चले जाओ यानी यहाँ आएगा, तो मेरे ख्याल से 13 आ जाना चाहिए, हम इसको अगर करके देखें तो ब्रैकेट लगा के, ठीक है लेट अस ट्राई हियर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इधर लगा दिया तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा ये वाला, ठीक है ना, ऐसा लगेगा ना, सो इफ आई पुट अ ब्रैकेट हियर एन प्लस वाई को बाहर, तो अब क्या होना चाहिए दो रो नीचे आओ और यहाँ प्लस वाई करो, यानी 8 + 5 = 13 आना चाहिए, अभी अगर दोबारा से मैं रन करूँ तो कॉलम से मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा ना बेटा, अच्छा ब्रैकेट के बाहर प्लस लिखा ना, वो ब्रैकेट के अंदर लिखा था ना, ठीक है स्टॉप एग्जीक्यूशन करते हैं और दोबारा से डिबग करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट लाइन करूँगा तो यहाँ पे पहले क्या आया था, पहले 11 आया था, अब 13 देखें आ रहा है 13, चलो नेक्स्ट लाइन फिर से 11, क्यों अच्छा रिकम्पाइल नहीं किया मैंने, स्टॉप एग्जीक्यूशन डिबग, यस रिकम्पाइल करना है ना, पूरा सोर्स बदल गया ना, तो हम इसको डिबग करते हैं फिर से, डिबग डिबग ओके नाउ लेट अस चेक, यहाँ पे 13 आएगा तो हमारा सही होगा, अगर हम नेक्स्ट लाइन में करें आया 13 राइट, समझ में आया, ये वाला अब देखो ये वाला हटा देते हैं, ठीक है अब ये कह रहे हैं तो ये सिंगल पॉइंटर हटा देते हैं खाली, ठीक है अगर हम यहाँ का एक्स्ट्रा ब्रैकेट हटा देते हैं राइट, व्हाट इट मींस ये ब्रैकेट हट गया, अब हमने यहाँ पे प्लस फाइव बार लिखा था, अब मैंने सिंगल पॉइंटर कर दिया तो ये सीधा यहाँ पे आएगा प्लस फाइव, तो भी इलेवन आना चाहिए, तो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट अब देखो 2D एरे है, यहाँ पे पॉइंटर का मतलब ये है बस 2D एरे है, आपको कुछ नहीं दिया है प्लस, कुछ नहीं दिया तो जीरो है ना, कुछ नहीं दिया तो जीरो है, अभी ये देखते हैं जैसे आपने बोला कि एक इसको हटा देते हैं, ठीक है दोबारा से रिकम्पाइल करते हैं, जब डिबग करेंगे तो दोबारा कंपाइलेशन बोलेगा, यस कंपाइल करना है हमें दोबारा, अब डिबग करते हैं राइट, नाउ सी व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट लाइन, सी इट गिव्स मी सम एड्रेस, हाँ अब क्यों एड्रेस आया, वैल्यू नहीं आई, अब इस एड्रेस पे क्या है 11, डी रेफरेंस तो किया ना, प्रिंट नहीं किया हमने एड्रेस, अभी देखो हमने यहाँ अगर पॉइंटर नहीं लगाया तो वो प्रिंट क्या कर रहा है एड्रेस जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है, लेकिन हम स्टार लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है राइट वैल्यू, वहाँ पे जो डी रेफरेंसिंग है वहाँ जो वैल्यू है वो दिखा दो, आया समझ में, ओके ये वाला स्टार ये वैल्यू के लिए हो गया ना, मतलब समझ में क्लियर आया, दिस इज फॉर द वैल्यू, ठीक है कंटिन्यू क्या है, स्टॉप करते हैं जोरदार है, 3 स्टार डालो 4 स्टार डालो तो 3 स्टार भी होते हैं 4 स्टार भी होते हैं पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर भी होता है, डबल पॉइंटर भी होता है, ट्रिपल पॉइंटर भी होता है,
तो ये डबल पॉइंटर अभी पहले इतना तो समझे मैंने क्या बोला, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स ना। अब अज्यूम करो ये क्या चीज है, स्टार एक्स प्लस वन। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, टेक्निकली ये वैल्यू है, पॉइंटर यहीं पे है, ठीक है, 10 या 12, राइट। देखो रो बड़ा कि कॉलम बड़ा, क्यों ऐसा? मेरे हिसाब से तो रो बढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पे डबल ब्रैकेट है, अब मेरे हिसाब से तो ये आएगा 12 आना चाहिए, मेरे हिसाब से 12 आना चाहिए। करें, चलो इसको करते हैं डीबग एंड डीबग। ओके नेक्स्ट लाइन क्या आया, 12 आया ना, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये किया यहाँ पे भी। चलो समझ में आ रहा है भाई, है ना, चक्कर आ रहा है ना चौरस वाले। तभी तो बोला ये चीज इतनी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, मस्त आने वाली है, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने यहाँ लिखा तो राइट यहाँ पे है तो एक्स वन ऑफ जीरो, तो वन ऑफ जीरो ये है, यानी ये वाला वैल्यू एट एक्स ऑफ वन ऑफ जीरो, वैल्यू एट ये हुआ एक्स वन ऑफ जीरो, और ये वैल्यू एट ऐसे ऐसे है ना, सवाल समझ में आ रहा है ना। ओके नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या है अगला, अब आप सोचो ये वैल्यू एट एक्स वन थ्री बराबर क्या होना चाहिए यहाँ पे, 7 137 है ना, ठीक है चेक करें। तो अगर ये हुआ तो समझ लेना कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं, याद नहीं रह रही। याद नहीं रहने वाली आपको ये चीज है, राइट। रन करते हैं, रिकम्पाइल करने को बोलेगा, रिकम्पाइल नेक्स्ट लाइन क्या आया, 7 आ गया ना। देखो तो 7, दिस इज व्हाट 7, तो यू प्रिडिक्टेड द करेक्ट, राइट। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट 2 1 का क्या था, 2 1, राइट 4 आया था, राइट। यहाँ 0 of 2, 6 + 5 11 आया था, 1 of 0 ये 12 आया, और ये 7 आया, 1 of 3, राइट। चलो दो बार क्यों 7 आया, 4 वाला 7 क्यों आया, और किया ही नहीं, वाओ 4 वाला किया ही नहीं हमने, सीधा 5 पे आ गए। 4 वाला क्या था, चलो देख लेते हैं, ये वाली चीज है, और इट मींस हाँ कुछ नहीं, ये डबल स्टार एक्स प्लस टू, तो सीधा सीधा ये 2 स्टेप आगे जाओ, ये वाला है ना, ये स्टार का मतलब, ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, हाँ ठीक है ना। तो ये 2 कॉमा हो गया ना हमारा, आगे बढ़ा ना सीधा, 0.2 0.2 उस पर प्लस 1, यस ऐसा, तो ये ऐसा हुआ ना, टेक्निकली ऐसा हुआ कि नहीं, ब्रैकेट को तो कोई मतलब रहा नहीं, हाँ ऐसे ही दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स ऑफ होगा 0.2 उस पर प्लस 1 करो, ठीक है, तो 0.2 6 है, प्लस 1 यानी 7 होना चाहिए, इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, नाउ 6th क्या था, ओके लेट्स गो एंड सी, स्टॉप एग्जीक्यूशन यहाँ 6 पे लाएंगे, राइट 6 पे है पॉइंटर ए, व्हाट इज पॉइंटर ए, दैट इज व्हाट एक्स ऑफ 0 0 क्या होगा 5, ठीक है यहाँ पे ले लेता हूँ, ये तो पता ही आपको, अब 7 ले लेता हूँ सीधा, इसको यहाँ पे डिबग करता हूँ, पॉइंटर ए प्लस 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस,
इसका मतलब क्या? ए प्लस टू मतलब ये दो स्टेप आगे जाएगा या यहाँ पे दो प्ले कर प्ले करेगा प्लस करेगा? तो अगर दो स्टेप आया तो सिक्स, ठीक है ना? चलो देखते हैं डीबग, राइट, फाइव बराबर आया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो सिक्स बराबर, तो दो स्टेप आगे जाओ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या निकला? एक्स ऑफ जीरो टू, किसमें मतलब? इसमें दो बढ़ाने हैं, ऐसे कर दो, ठीक है ना। ब्रैकेट का ही खेल है बेटा, ब्रैकेट गलत जगह लगा दी तो गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, मेरे को भी याद नहीं रहता बेटा, प्रैक्टिस की बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे व्हाट हैपन नाउ एट्थ, हाँ अब ये देखते हैं व्हाट इट मींस, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंटर ए प्लस थ्री, तो टेक्निकली इस ब्रैकेट की कोई मतलब ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया, समझे? तो ये क्या है, तीन स्टेप आगे जाओ और उसमें प्लस वन करो, ठीक है। तो क्या है, जीरो थ्री नाइन प्लस वन यानी टेन आना चाहिए, समझ आ रहा है? हाँ तो बोल रहे हैं पक्का है ना, देखते हैं। What is next line? Higher 10. Right. Now what remains? यहाँ पे इसको डिबग करते हैं, ए प्लस पॉइंटर ए प्लस फाइव प्लस वन नाइन। अब देखो दो बार कर दिया करते थे, इसका मतलब क्या हुआ, फटाफट बताओ। एक्स ऑफ जीरो फाइव क्या है? हाँ ये हो जाएगा वन ऑफ जीरो, हाँ पांच स्टेप आगे गया ना, क्योंकि एक्स सॉरी ए से किया ना हमने, तो यहाँ से एक एक दो एक दो तीन चार पांच स्टेप यहाँ आया ना, ठीक है। और फिर इसमें प्लस वन किया, इसमें से थर्टीन आना चाहिए, ठीक है। लेट अस चेक, नेक्स्ट लाइन आगे थर्टीन, परफेक्ट। अब रह गया आखिरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कल हमने शायद ये समझा था है ना, वैल्यू एट जीरो जीरो प्लस वन, ठीक है। तो क्या है जीरो जीरो पे, फाइव है प्लस वन यानी सिक्स, ठीक है। अगली टेन है ना, हाँ ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं सीधा, देखो सिक्स आ गया, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने जो की, अब इसमें और भी देखते हैं, चलो ठीक है। क्या करते हैं, इसी को ऐसा कर दिया तो हाँ देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई सेवन, ठीक है। पॉइंटर ए कहाँ पॉइंट कर रहा था, प्लस प्लस यहाँ पे हमने कर दिया, प्लस प्लस दोबारा किया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो गई ऑलरेडी। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो गई ना पहले ही, सिक्स का फाइव का सिक्स हो गया ना, और दोबारा से किया हमने, ठीक है। हाँ तो वही हुआ। अब देखो यहाँ पे इसको बदल देते हैं, पॉइंटर ए प्लस प्लस, अब क्या होगा? वैल्यू वही प्रिंट करेगा, राइट। लेकिन इसके बाद अगर हम ए प्रिंट करें दोबारा से, तो नेक्स्ट में देखो, राइट।
ये वैल्यू तो वही प्रिंट करेगा 6, लेकिन ये आगे शिफ्ट हो गया पॉइंटर, इंक्रीज करके आगे शिफ्ट हो गया पॉइंटर, एड्रेस आगे चली गई, इंक्रीज कर दी वैल्यू उसने, और उसके बाद वो पॉइंटर ने अपनी एड्रेस चेंज कर दी, वैल्यू इंक्रीज की ना, इधर 5 की 6 कर दी ना, ठीक है, तो ये 6 वैल्यू प्रिंट कर दी वापस, तो मतलब अरे 6, ओ वही 6 प्रिंट करके, ये 6 प्रिंट करके आगे गया, हाँ मतलब 6 था ऑलरेडी, 6 को थोड़ी ये मतलब बढ़ाया नहीं, बस आगे शिफ्ट हो गया, हाँ। पुरानी वैल्यू ये करके आगे शिफ्ट हो गया ना पहले, हाँ। ये प्रिंट की फिर आगे शिफ्ट हुआ ना, हाँ। इसने प्रिंट कर दी वैल्यू, हाँ। फिर आगे शिफ्ट हो गया, और आगे शिफ्ट फिर ए की वैल्यू क्या है, पोस्ट है ना, हाँ। तो पहले पहले हाँ एड्रेस चेंज हो गई ना, पहले ये वैल्यू प्रिंट की 6 की प्रिंट की ना, फिर आगे शिफ्ट हो गया, लेकिन प्रिंट कहाँ की, इसके बाद में ना, अगर ये 12 नहीं करता तो ये 10 प्रिंट होगा क्या, 12 प्रिंट ही नहीं होगा, 6 ही होगा ना, राइट समझाने की कोशिश की है, ठीक है, इसीलिए मैंने आज एक्सेल लेके किया, मैंने कहा चलो एक्सेल से समझाता हूँ, कल जो था उससे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, है ना, अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, ठीक है।